हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आप सब कैसे हो? आई होप ऑल आर डूइंग वेल। और आज है महाशिवरात्रि, आप सबको महाशिवरात्रि की बहुत सारे शुभकामनाएं। और अभी टाइम हो रहा है शाम के 6:30। मैं अभी आ गई हूँ मंदिर, और यहाँ पर दिया जलाने से पहले नीचे की तरफ थोड़ी सी चावल, रंगोली और फूल रखकर दिया दिया जलाऊँगी। हमारे यहाँ पर उड़ीसा में क्या होता है कि सुबह के टाइम पर तो आकर हम लोग भोग लगाकर दर्शन करके मंदिर से घर चले जाते हैं, लेकिन शाम के टाइम पर जो कोई भी फास्ट रखता है वो मंदिर आकर दिया जलाकर जब तक महादीप नहीं उठता है तब तक बैठे रहते हैं यहाँ पर। और मेरी तो आज निर्जला फास्ट है। किस किस ने महाशिवरात्रि की ये जो फास्ट है बिना खाए पिए रखते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, जरूर जानकर अच्छा लगेगा। तो आज मंदिर में महादीप का उठने का टाइम है 9:30 से 10 के बीच आज उठ जाएगा, तो तब तक हम लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे दिया जलाकर। इसका मतलब ये नहीं कि केवल जो निर्जला व्रत रखते हैं वो ही आकर मंदिर में दिया जला सकेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो व्रत तो रखते हैं लेकिन अनाज वाले जो चीज़ें होता है वो नहीं खाते, सिर्फ पानी वगैरह या फिर जूस वगैरह या फिर फल खाकर ही व्रत रखते हैं, और वो भी दिया जलाकर बैठते हैं। और महादीप उठने के बाद मतलब हर कोई अपना व्रत को तोड़ते हैं। तो चलिए, मेरी लास्ट तक वीडियो पे बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना, भूलना मत। तो चलिए, वीडियो पे मेरी लास्ट तक बने रहिए और मैं आपको आगे की तरफ मेरी कैमरा घुमाकर आपको दिखाऊंगी। बहुत सारे लोग देखिए यहाँ पर दिया जलाकर ऑलरेडी बैठ गए, और ये देखिए क्योंकि मेरी पास ही बैठा है, हम माँ बेटे दोनों यहाँ पर बैठे हैं। सो गाइस, ये रहा वो महादीप। और जैसे कि अनाउंसमेंट हुआ था कि आज महादीप 9:30 से 10 के बीच ही उठेगा, तो एग्जैक्टली अभी उसी टाइम ही चल रहा है। और मंदिर के 3 परिक्रमा करने के बाद ये मंदिर के ऊपर जाकर मंदिर की चोटी के पास रखा जाएगा, फिर इसके बाद हम लोग अपने अपने घर चले जाएंगे।
सो गाइस अभी हम आ गए हैं घर। घर आने के बाद में पहले पानी पीकर 5 मिनट बैठने के बाद अभी हम दोनों के लिए फ्रूट सलाद बना रही हूँ। इनका भी आज फास्ट था लेकिन ये फ्रूट्स वगैरह खाकर जूस वगैरह पीकर ही फास्ट किए थे। और कुकी का खाना तो हो गया है, मतलब मंदिर के पास अन्नभोग हो रहा था तो वहीं से मैंने कुकी के लिए एक प्लेट लाई थी, तो उसका तो खाना हो गया है। तो हमारे लिए बना रही हूँ ये फ्रूट सलाद, फिर इनके लिए लस्सी बनाऊंगी। मतलब सिंपल सा दही में थोड़ी सी पानी नमक चीनी डालकर लस्सी बनाऊंगी। सुबह के टाइम पर मैंने नारियल भोग लगाई थी, उसी नारियल को ग्रेटेड करके लस्सी के ऊपर थोड़ी सी डाल दूंगी। तो चलिए गाइस अभी के लिए मैं अपनी वीडियो को एम पे करती हूँ एंड। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। और एक बात, आपकी यहाँ पर जो महादीप का प्रोसेस हमारे यहाँ पर जिस तरह का है, आपके वहाँ पर उसी तरह का होता है ये या फिर अलग कुछ होता है, ये मुझे बताना ज़रूर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय। Thank you.